एक हमारी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की एक मुहिम भी है और हम सरकारों से लगातार एक गुजारिश कर रहे हैं कि मुद्दा जात पात हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम विषयों पर, क्योंकि विकास के एजेंडे सबने तय किए हैं, उस पर चर्चा हो। मैं ये कह रहा हूं और मैं अपने गिरेबान में भी झांक के बोल रहा हूं, हमारी पत्रकारों की बिरादरी कुछ ऐसी है जो इस वक्त सिर्फ कांगड़ा के छज्जे पर अटकी हुई है, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। और इस बात को समझिएगा कि भैया मैं तो खुलकर कह रहा हूं, तुम कांगड़ा के छज्जे पे फंसो, तुम कांगड़ा के मुद्दे पर फंसे रहो, मैं बेरोजगारी की बात करूंगा, मैं बेरोजगारी के मुद्दे को उठाऊंगा इस मंच से। यह हमारी प्राथमिकता है, यह हमारा एजेंडा है, यह हमारा संकल्प है। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि मैं एक छोटा सा बयान सुना रहा हूं, चलते चलते उसे बेहद ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद अश्वनी शाही एक सवाल के साथ छोड़ के जाऊंगा, प्लीज इसको प्ले करिए। मैं प्रदेश के 24 करोड़ जनता को जानता हूं, खुशी दुबे। मैं पूरे प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता का परिचय अपने पास रखता हूं, एक एक व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, मैं सबके बारे में। मैं किसी की काबिलियत पर, किसी की योग्यता पर संदेह नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 24 करोड़ जनता को जानते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो 4 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया है, नियुक्ति पत्र दिया है, नौकरी दी है, 6.5 लाख, ओके 6.5 लाख, आप 7.5 लाख, मैं 80 लाख का जिक्र नहीं कर रहा जो आपने संकल्प पत्र में लिखा था, मैं सिर्फ आप ही के मुताबिक नहीं, और 1.8 करोड़ को रोजगार भी दिया जी जी, आप सब हिसाब के साथ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं अश्वनी शाही जी, वो सूची विभाग के अनुसार, नाम के हिसाब, नंबर के हिसाब से क्या सार्वजनिक हो सकती है? सब जगह स्वास्थ्य विभाग से लेकर बेसिक शिक्षा विभाग और बिजली विभाग, जितने विभाग हैं सबकी, सबको हम लोगों ने वहां के जन प्रतिनिधियों के द्वारा नियुक्ति पत्र बटवाया है। सर मैं कह रहा हूँ ये सार्वजनिक हो सकती है तो दूध का दूध और पानी का पानी, और ले ले। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों ने मांगे और ले ले, मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने दी है नौकरी, आप सार्वजनिक कर देंगे? मैं लिस्ट बता दूं आपको, सर बता दीजिएगा पूरी लिस्ट, जगह भी आपकी, तारीख भी आपकी, वक्त भी आपका, डिबेट करेंगे इस पर पूरी। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि इस मुद्दे पर, एजेंडे पर, इसे एक एजेंडा तय किया जाए। आपने किया है तो आप जनता के सामने जाए, ये हिंदू मुसलमान पर चर्चा ही ना हो, कंगना पर लोग फंसे हुए हैं, मैं बेरोजगारी का सवाल पूछूंगा, राजनीतिक झुंडों से हटकर। सर दीजिएगा, बिल्कुल जनता के सामने दीजिएगा, आपके कहने पर करूंगा।